हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सुपर आलम टेक्निकल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सीरीज 4 40 mm का ब्रोकन ग्लास या टच रिप्लेस कैसे करते हैं वो चीज़ आपको डिटेल से बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, मेरे पास कुरियर के थ्रू ये वॉच आई है, एप्पल वॉच सीरीज 4 40 mm का ये मेरे पास वॉच आया है कुरियर के थ्रू। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसका ग्लास या टच चेंज करने का तरीका बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, पूरी वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखना, आपको एक एक चीज़ प्रॉपर तरीके से समझ में आने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपको भी अपना वॉच रिपेयर कराना है तो आप कुरियर के थ्रू भेज सकते हैं और बहुत ही आसानी से उसका ग्लास या टच चेंज करवा सकते हैं दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा ब्रोकन है। तो दोस्तों, इसका बहुत ही शानदार तरीके से मैं जो इसका ग्लास है ना, जो कांच जो बिखरे हुए हैं उसको किस तरीके से हटाते हैं और एलसीडी को फ्रेम से किस तरीके से निकालते हैं आपको बताने वाला हूं। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा टूटी हुई है और टच भी काम कर रही है। तो दोस्तों, चलिए दोस्तों इसका ग्लास या टच चेंज करके मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से इसका ग्लास या टच चेंज कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले तो मैं इस पर हल्का हल्का या तो पेट्रोल लगा सकते हो या तार पे लिक्विड लगा सकते हो। लगाकर मैंने इसको सेपरेटर पे हल्का हीट करा लगभग 40 सेकंड के आसपास। फिर इसको ब्लेड की सहायता से हल्का हल्का मैं इस तरीके से उठाने वाला हूँ, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इस तरीके से इसको प्यार प्यार से उठाने वाला हूँ और जहाँ से आपको कांच जो बिखरे हुए हटाने का, जैसे ही आपको जगह मिले उसको आप चिमटी कटर जैसे आपको सही लगता है उसकी सहायता से हटा लेना है। जैसे कि दोस्तों आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इस तरीके से ये छोटे छोटे पीस को आपको हटाना है और इसके बाद बहुत ही इजीली आपकी जो ये एलसीडी है फ्रेम से बाहर निकल जाएगी। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो, यहाँ कोने से ज़्यादा टूटा हुआ है। तो यहाँ का मैं जो भी ब्रोकन कांच है ना उसको चिमटी या कटर की सहायता से हटाने वाला हूँ। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, चिमटी की सहायता से कितने प्यार से मैं इसके बिखरे हुए कांच को हटा रहा हूं। तो दोस्तों, यहां पर आपको एक चीज़ का ख़ास तौर पर ध्यान रखना है, जो कांच जो बिखरे हुए हैं ना उसको इस तरीके से हटाना है कि वो डिस्प्ले पे टच ना हो। मतलब इस तरीके से जैसे ही उखाड़ो कांच को बिखरे हुए को, इस तरीके से आपको निकालना है कि वो आपकी डिस्प्ले पर बिल्कुल भी टच ना हो। अगर डिस्प्ले पर टच होगी तो आपकी डिस्प्ले डैमेज हो सकती है दोस्तों, इसलिए इस तरीके से उसको निकाले कि वो कांच है ना आपकी डिस्प्ले पे टच ना हो। और दोस्तों, एक चीज़ का और भी आपको ध्यान रखना, जो आप चिमटी चला रहे हो वो आपकी डिस्प्ले पे ना लग जाए। और दोस्तों, अगर आप चिमटी की सहायता से इस तरीके से नहीं हो पा रहा है तो आप पन्नी ले लें, पन्नी से इस तरीके से थोड़ी जगह बना लें, उसके बाद चिमटी से उठा सकते हैं उस कांच को। तो दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कितनी प्यार से जो बिखरे हुए कांच हैं वो पन्नी और कटर की सहायता से मैं हटा रहा हूं। आप भी इस तरीके से बिखरे हुए कांचों को इस तरीके से हटा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको लगभग लगभग हर जगह से जहाँ से भी कांच बिखरे हुए हों उसको इसी तरीके से हटाना है। और इस तरीके से मैंने यहाँ हल्का सा तार पे लिक्विड लगाया। अब मैं इसको सेपरेटर पर हीट करने वाला हूँ लगभग 40 सेकंड के आसपास। दोस्तों, इस तरीके से मैंने 40 सेकंड के आसपास हीट कर लिया है। फिर यह ब्लेड पे इस तरीके से आपको लिक्विड रखना है और जो इसके चारों तरफ का जो फ्रेम है ना इस तरीके से अंदर डाल लेना है दोस्तों, हल्का हल्का, और ब्लेड को इस तरीके से हवा में उठाना है दोस्तों कि आपकी एलसीडी फ्रेम से फ्री हो जाए दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों आप, जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं किस तरीके से मैं ब्लेड की सहायता से एलसीडी को उठा रहा हूं और जो भी कांच मेरे को लग रहा है निकलने का उसको मैं बहुत ही इजीली ब्लेड से भी निकाल रहा हूं दोस्तों। आप भी इस तरीके से जो वॉच की डिस्प्ले होती है ना उसको बहुत ही इजीली रिमूव कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस तरीके से लगभग लगभग हमारी एलसीडी फ्री होने वाली है अभी। तो दोस्तों, जैसे ही आपको हल्की सी जगह मिल जाए पन्नी की सहायता से आपको साइडों से भी फ्री कर लेना है, क्योंकि आपको भी पता है इसके जो बॉर्डर आते हैं काफ़ी चौड़े चौड़े आते हैं, आप पन्नी चलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी उससे। अभी आगे मैं वीडियो में दिखाऊंगा मैं किस तरीके से पन्नी चला रहा हूँ, आप भी उसी तरीके से चला कर एलसीडी को फ्रेम से बाहर निकाल सकते हैं दोस्तों।
और दोस्तों इसकी पंचिंग जो मैं करने वाला हूँ मशीन में, उसमें ना तो मैं एलसीडी को ग्लास पर या टच पे किस तरीके से रखते हैं अंदाज़ा वो भी आपको सिखाने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल सा अंदाज़ा है, आप उस तरीके से रखेंगे तो बहुत ही इजीली एलसीडी को टच या ग्लास पे आसानी से रख लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं पन्ने की सहायता से किस तरीके से मैं एलसीडी को फ्रेम से फ्री कर रहा हूँ। और दोस्तों क्योंकि इसका जो डिस्प्ले का जो बॉर्डर आता है काफ़ी चौड़ा आता है, तो आप पन्नी बहुत ही इजीली चला सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा भी अंदर नहीं डालना है पन्नी को, हल्का सा अंदर डाल के पन्नी चलाते रहना है। तो दोस्तों इस तरीके से लगभग हमारी एलसीडी फ्री होने वाली है। आप पन्नी देखो किस तरीके से पन्नी में चला रहा हूँ दोस्तों, ज़्यादा अंदर नहीं डालना, हल्का हल्का डाल के एलसीडी का जो चारों तरफ का बॉर्डर का कांच है ना उसको फ्री कर लेना है, तो हमारी एलसीडी बहुत ही इजीली बाहर आ जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना दोस्तों, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो दोस्तों तीन साइड से हमारी एलसीडी लगभग फ्री हो चुकी है। अब मैं ये चौथी साइड से पन्नी से फ्री करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी बहुत ही इजीली इसी तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों जो इसके पीछे के जो पत्ते आते हैं बहुत ही ज़्यादा चिपके हुए और बहुत ही छोटे पत्ते आते हैं कि जिससे कि आपको खोलने में परेशानी होती है उन पत्तों को, तो दोस्तों उनको भी बहुत ही प्यार से मैं हटा के आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखना तो ही आपको एक एक चीज़ प्रॉपर तरीके से समझ में आने वाली है दोस्तों। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारा एज कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो वो हमारे चैनल पे जाके ज्वाइन बटन पे जाके हमारे एज की कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी प्राइस ओनली 1199 रुपीज़ है दोस्तों। और बहुत ही शानदार तरीके से मैंने उसमें वीडियो वगैरह डाल रखी है और डिस्क्रिप्शन में मैंने उस कोर्स का लिंक भी डाल रखा है, प्लेलिस्ट का लिंक भी डाल रखा है, आप जाके चेक कर सकते हैं कौन कौन सी वीडियो उसमें है इस टाइप। तो दोस्तों जाओ और फटाफट ज्वाइन करो हमारे एज कोर्स को, जिसमें मैं एलसीडी को फ्रेम से निकाल के विदाउट फ्रीज़र मशीन के मैं एलसीडी को फ्रेम से निकाल कर और बिना किसी डाई बिना किसी फ्रेम के पंचिंग करने का तरीका बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जाओ फटाफट डिस्क्रिप्शन में या हमारे चैनल के ज्वाइन बटन में जाओ, वहाँ पर आपको 1199 रुपये का कोर्स दिखेगा, तो उसकी मेंबरशिप ले लो दोस्तों। और हमारी प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं कौन कौन सी वीडियो डली हुई है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं हमारी एलसीडी का पत्ता और टच का पत्ता सब यहाँ कनेक्ट है, तो मैं उनको निकाल रहा हूँ दोस्तों। इस तरीके जो बीच वाला पत्ता है वो हमारे टच का है दोस्तों और साइड की डिस्प्ले का है दोस्तों। इस तरीके दोस्तों हमारी एलसीडी बाहर निकल चुकी है। तो दोस्तों अब इसके जो ब्रोकन ग्लास है मैं उसको हटाने वाला हूं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में जब मैं इसका ग्लास हटा रहा था तो ग्लास हटाने में इसकी जो टच का सर्किट था वो वायर से कट गया था दोस्तों। तो दोस्तों उस कंडीशन में मेरे को इसके टच चेंज करनी पड़ी दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे मैंने किस तरीके से इस पर टेप लगाया और जितनी जगह पे हमारी डिस्प्ले चिपक सकती है, जितनी साइज़ है आपकी डिस्प्ले का, उस साइज़ में मैंने छेद कर लिया और डिस्प्ले पे इस तरीके से टेपिंग कर ली है दोस्तों। और जहाँ मैंने जगह बनाई थी एलसीडी को चिपकाने की वहीं मैंने एलसीडी को चिपका लिया है और वैक्यूम चालू कर लिया दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ मैंने एक थोड़ी सी गलती कर दी थी, आप उस गलती को ना दोहराएं, इसलिए मैंने पूरा का पूरा वीडियो डाला है। तो दोस्तों इस मैंने जो इसमें ग्लास में उतार रहा हूँ मैंने एक इसमें गलती कर दी थी, जो दूसरी साइड जो घुमाते समय ना मैंने वहाँ थोड़ी सावधानी नहीं बरती, जिसकी वजह से इसकी टच का सर्किट कट गया था। तो दोस्तों डोंट वरी, आप बाई चांस आपकी टच का सर्किट कट जाए तो आप इसकी टच भी चेंज कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मार्केट में बहुत ही इजीली टच अवेलेबल है इसकी। और लगभग जो ग्लास और टच की जो प्राइस होती है उसमें लगभग 200 रुपये के आसपास का फ़र्क आता है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने इसकी जो इसकी ग्लास हटाया उसमें ये टच का सर्किट कट गया था दोस्तों। तो दोस्तों अब इस वीडियो में आपको टच चेंज करने का तरीका बताने वाला हूँ, बाकी ग्लास चेंज करने का तरीका यही है दोस्तों। इस तरीके से मैंने आपको ग्लास उतारना है और
नॉर्मल जो तरीका मैं बताने वाला हूँ वीडियो में उसी तरीके से आप गिलास भी लगा सकते थे, लेकिन अब मैं इसमें टच चेंज करने का तरीका बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये बीज वाला पत्ता है वो टच का है, उसके पत्ते को खोल लेना है। तो दोस्तों अब मैं इसकी टच हटाने वाला हूँ, ये देख पा रहे हैं ऊपर जो पन्नी सी दिख रही है ना, ये टच का सर्किट है। अब मैं इसकी टच को हटाने वाला हूँ और उसके बाद इस पर टच चेक करके टच लगाने वाला हूं दोस्तों। तो दोस्तों पूरी वीडियो ज़रूर देखना तो ही एक एक चीज़ प्रॉपर तरीके से समझ में आने वाली है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने इसकी टच का ये सर्किट था हटा लिया है, और दोस्तों एक पतली सी लेयर और रह गई है टच की, जिसको हटाने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी लेकिन हट जाएगी दोस्तों। दोस्तों इस तरीके से मैंने इसको ढककर कपड़े से इस पर लिक्विड डाला और इसका ग्लू नरम कर लिया है दोस्तों। ग्लू रिमूवर लिक्विड है वो कोई, और वो डालते ही लगभग इसका ग्लू बहुत ही ज़्यादा नरम हो जाता है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं किस तरीके से मैं बहुत ही हल्के हाथों से इसके डिस्प्ले को साफ कर रहा हूँ। दोस्तों हल्के हाथों से ही साफ़ करना है, हार्ड हाथ नहीं लगाना है। तो दोस्तों यहाँ हल्का सा मैं इसको हीट करके फिर ग्लू साफ़ करने वाला हूँ। तो दोस्तों इसका ग्लू साफ़ करने में टाइम लगा क्योंकि इस पे जो टच की एक पन्नी सी बहुत ही बारीक सी लेयर आती है वो चिपकी हुई है, जिसकी वजह से इसका ग्लू नहीं हट रहा है। तो इसलिए इसको साफ़ करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए आपको सब्र रखकर बहुत ही प्यार से धीरे धीरे साफ़ करना है और कंप्लीट ग्लू साफ़ करना है दोस्तों। बहुत ही सब्र रख के काम करना है क्योंकि डिस्प्ले काफ़ी छोटी है, और तो इसलिए आपको प्रॉपर तरीके से धीरे धीरे काम करते हुए इसको क्लीन करना है। अगर आपको ग्लू रिमूवर मशीन की ज़रूरत पड़ जाए तो आप उससे भी साफ़ कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ मैंने वापस इसको कपड़े से ढका और लिक्विड डाल के इसके ग्लू को नरम कर लिया। तो दोस्तों अब यहाँ ग्लू रिमूवर मशीन से मैं इसके ग्लू को रिमूव कर रहा हूँ। तो दोस्तों ग्लू रिमूवर मशीन का बहुत ही प्यार से यूज़ करें क्योंकि बहुत ही छोटी डिस्प्ले है, उस पर काम करना थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो इसलिए आपको LCD को दबाकर तो ही इसको अच्छे से ग्लू रिमूवर मशीन को यूज़ करना है, ऐसे नहीं कि ग्लू रिमूवर में LCD पूरी घूमने लग जाए। तो दोस्तों उस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, LCD को हल्के से दबा के फिर ग्लू रिमूवर मशीन से इसका ग्लू साफ़ करना है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी कंप्लीट ग्लू साफ़ हो गई है। एक बार मैं आपको डिस्प्ले चेक करा के दिखा देता हूँ, उसके बाद टच चेक करा के दिखाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने इसके कनेक्टर लगा लूँगा और कनेक्टर लगाने के बाद इसको आपको ऑन करके दिखाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों हमारी डिस्प्ले बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं एक बार मोबाइल ऑन हो जाए तो इस पर आपको मैं टच लगा के दिखाता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी LCD बिल्कुल परफेक्ट है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको जो बीच का पत्ता था टच का था, इस तरीके से मैंने टच लगाया ऑन में। तो दोस्तों ऑन में कभी भी टच जल्दी काम नहीं करती है, तो आपको इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने इसको रीस्टार्ट कर लिया है पावर वाले बटन को दबा के। तो चलिए दोस्तों एक बार ऑन हो जाए तो हम इसकी टच चेक करते हैं। तो दोस्तों हमारी टच काम कर रही है, एक बार कंप्लीट चेक कर लो इसकी प्रॉपर तरीके से टच काम कर रही है या नहीं। अगर प्रॉपर काम कर रही है तो आप बहुत ही इजीली इसके ग्लास को या टच को लगा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी टच कंप्लीट काम कर रही है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और दोस्तों फटाफट 1 लाख सब्सक्राइबर करवा दो, एक शानदार सा गिवे आने वाला है हमारे चैनल पे। तो दोस्तों OCA कैसे लगाते हैं देख पा रहे हैं आप, डिस्प्ले की साइज़ का आपको प्रॉपर तरीके से OCA काटना है और इस तरीके से डिस्प्ले पे रख कर आपको लगा लेना है। तो दोस्तों छोटी डिस्प्ले थी इसलिए रोलर नहीं चला पाया मैं, इसलिए मैंने यहाँ कार्ड का यूज़ करा। कार्ड को यूज़ करते ही इसमें आपको बबल दिख रहे होंगे बहुत सारे। तो दोस्तों इस बबल को निकालने के लिए इसको आप बबल रिमूवर में डाल दें 3 से 4 मिनट के आसपास, तो ये बबल बहुत ही ईजिली निकल जाएंगे दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ मैंने बबल रिमूवर में डाला इसको और लगभग 6 मिनट इसमें मैंने चलाया दोस्तों। अगर आप टाइम देखे हो आपने बबल रिमूवर का, तो मैंने इसको 6 मिनट चलाया और इसके कंप्लीट बबल निकल गए दोस्तों। देख पा रहे हैं आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बबल निकल गए हैं। तो दोस्तों अब मैं इसकी LCD को
टच पर किस तरीके से रखते हैं वो चीज़ बताने वाला हूँ। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये हमारी टच है, टच पे ब्लू कलर की पन्नी लगी हुई है, उसको हटा लें। और एक छोटा सा डस्ट है, मैंने उसको भी हटा लिया है। तो दोस्तों यहाँ आपको ध्यान रखना है, इसकी पन्नी ओसी शीट की वेस्ट पेपर होती है, उसको हटाना है। और दोस्तों मैंने ये साइड में आप गोल्डन कलर की टेप देख रहे हैं ना, इसको इस तरीके से लगा लेना, क्योंकि इसी को पकड़कर आपको एलसीडी को टच पे रखना है दोस्तों। क्योंकि आप एलसीडी को नहीं पकड़ सकते हैं क्योंकि उस पर ओसी लगा हुआ है, ओसी गंदा हो जाएगा, इसलिए इस तरीके से आपको टेप को पकड़ना है और बहुत ही प्यार से बीचों बीच एलसीडी को रखना है दोस्तों। सिंपल सा तरीका है इसमें, बीचों बीच एलसीडी को रखना है तो आप प्रॉपर तरीके से इसकी टच को लगा पाएंगे या ग्लास को लगा पाएंगे दोस्तों। बीच में रख दो, बहुत ही इजीली बिल्कुल सिंपल सा सॉल्यूशन है दोस्तों, बिल्कुल बीच में रख दो। इस तरीके से मैंने इसको बीच में रख दिया है। अब मैं इसको जो फोम वाला फोम चीज़ होती है ना, फोम, उस पर इसकी पंचिंग करने वाला हूँ। जैसे कि दोस्तों आप ये देख रहे हैं फोम, इस पर ही पंचिंग करूँगा दोस्तों। इसको इस तरीके से अच्छे से इस पर सेट करना है क्योंकि मशीन में ये डिस्प्ले इधर उधर ना हो जाए, इसलिए इस पर मैं टेपिंग करने वाला हूँ। आपको भी इसी तरीके से टेपिंग करनी है दोस्तों, क्योंकि फोम रखकर एलसीडी को इस पर रखना है और टेपिंग करनी है। टेपिंग करने का फ़ायदा ये है कि ये क्या है कि कई बार ये होता है कि डिस्प्ले इधर उधर हो जाती है और टेपिंग की वजह से नहीं होती है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ हमारी एलसीडी की पंचिंग हो रही है। तो दोस्तों इसमें मैंने जो इसका वैक्यूम टाइम 50 सेकंड के आसपास रखा है और होल्डिंग टाइम 10 सेकंड के आसपास रखा है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी एलसीडी की पंचिंग हो गई है। तो दोस्तों एक बार देखते हैं कोई बबल है या नहीं दोस्तों हमारी एलसीडी में। तो दोस्तों लगभग इसमें कंप्लीट बबल निकल चुके हैं। एक माइनर सा बबल है जिसको हम बबल रिमूवर में डाल के बहुत ही ईजिली रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये टच का पत्ता है, बहुत ही सावधानी से हटाना है उस पर टेपिंग और इसको प्यार से इस तरीके से चिपका लेना। तो दोस्तों माइनर सा बबल है हमारे बबल डिस्प्ले में, तो इसको हम मशीन में डालते हैं और इसका बबल निकालते हैं। तो दोस्तों लगभग 7 मिनट के आसपास मैंने इसको चलाया। तो चलिए दोस्तों एलसीडी को निकालते हैं और इसको पैक करने का तरीका बताने वाला हूँ। पैक करने के बाद आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो भी बताने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों हमारी एलसीडी बिल्कुल परफेक्ट बन गई है। तो दोस्तों जब आप इसको पैक कर लें, पैक करने के बाद आप साइड से काली ग्लू लगा सकते हैं, जो कि वीडियो में मैं नहीं दिखा पाऊँ। आप लगा सकते हैं, जो हमारी काली ग्लू आती है ना, जहाँ आपको फिटिंग में कमी दिख रही है ना, आप अच्छे से वहाँ लगा सकते हैं और अंदर जैसे ही जो खड्डे होते हैं उसमें भर जाए और ऊपर का ग्लू साफ कर लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी एलसीडी बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं इसको पैक करने का तरीका बताने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों हमारी टच भी प्रॉपर काम कर रही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी टच काम कर रही है प्रॉपर। अब मैं इसकी पैकिंग करने वाला हूँ ग्लू के माध्यम से। तो दोस्तों इस तरीके से आपको चारों तरफ इस तरीके से ग्लू लगाना है और इसको एलसीडी को प्रॉपर तरीके से इसमें सेट करके आपको रबड़ लगा लेना है। और दोस्तों लगभग रबड़ जब रबड़ आप हटाओ तो आप काली ग्लू भी आती है, ऐसे ही काली ग्लू को चारों तरफ इस तरीके से भर के और आप जिसकी हल्की फुल्की पैकिंग में कमी रहे उसको भर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी ये वीडियो कम्प्लीट हो गई है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।